A very warm good afternoon to all of you. We are here for another session conducted by our school management, our principal sir, and for the fellow teachers. I am here to have a topic of curriculum development and school. I am very much thankful for CBSE, our school management, to having me here. As we are moving towards our in-house training, so in this 1 hour, in this session, I am eager to say the topic I am having is curriculum development. I found myself very lucky, very fortunate against you, so that I am here to ensure you the next 1 hour must be very, very important and very, you can say, very interesting. Okay. Before starting this topic, I would like to introduce myself. I am Prashant Jha. I am here for last 3 years. I am in this field for last 11 years. I have been teaching maths and science. Okay, let's start the topic curriculum development. As we are already done inclusive educations. Stress management techniques. Now today, this is a quite a different topic, so that everyone can have the proper knowledge and pay a proper attention, so that you can achieve in whatever you wanted to be a teacher. First is, what is curriculum? Curriculum has so many definitions done by the several others. According to Wolf and Scave, curriculum is the philosophy, objectives and structure of knowledge of the discipline concerned. It is said, the stronger the philosophical base of curriculum, the easier it will be to develop appropriate curriculum. करिकुलम क्या है? इट इज अ प्लान बेसिकली. करिकुलम इज अ प्लान, डिफाइंड प्लान, एक्शन एंड अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स. जो अगर हम बात करें करिकुलम की, तो बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन दिए हैं, बट रियलिटी में ये है क्या? ये है एक एक्शन, एक बेस, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी को अपने डिजायर्ड गोल्स के लिए अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रैल्फ टाइलर, इट इज अ लीनियर वे ऑफ लर्निंग. जो करिकुलम है ये लीनियर वे ऑफ लर्निंग है. जे गैलन ने कहा था, according to Jay Gallen, curriculum as a plan of providing sets of learning opportunities for person to be educated. The word curriculum derived from Curie. C U double R E R E. C U double R
ER, इसका मतलब होता है विच मीन्स टू रन, विच मीन्स टू रन. करिकुलम डिराइव है वर्ड, द वर्ड इज क्यूररी विच मीन्स टू रन, टू अप, टू मूव अप, टू रन. इसका मतलब है जो वो ये ग्रीक वर्ड है क्यूररी, इसका मतलब होता है चलना, लगातार बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना. दस करिकुलम्स मीन्स अ रन अवे, अ कोर्स विच अ पर्सन रन्स टू टीच अ गोल. एक ऐसा हैंड जो अपने टारगेट, अपने गोल, जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने में ये करिकुलम हेल्प करता है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल ने क्या कहा था, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस. अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल, करिकुलम होना चाहिए जो ह्यूमन रेस का एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस्ड. बहुत सारे अलग अलग जो भी सेवरल ऑथर्स थे हैज डिफाइंड इन देयर ओन वे ऑफ करिकुलम. ओके, देन व्हाट इज द नीड, इसका नीड क्यों है, नीड इम्पॉर्टेंस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस. सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर. बहुत सारे इसके नीड हैं करिकुलम करिकुलम डेवलपमेंट के लिए. फर्स्ट है डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस. साइंस में जो भी डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशंस हो रही है या किसी भी फील्ड में, वो ड्यू टू द करिकुलम. ओके, एट द यूनिवर्सिटी और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन करिकुलम इज फ्रेम्ड टू इनकरेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. सेकेंड पॉइंट पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर. ये किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है करिकुलम. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये जो करिकुलम है हमारा, हाउ कैन वी डेवलप आर पर्सनालिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल फिजिकल, करिकुलम्स हेल्प्स इन सोशल फिजिकल स्पिरिचुअल ओके एंड पॉलिटिकल मोरल रिलीजियस एंड वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेंट. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉरी करिकुलम इज टू डेवलप द सिटीजनशिप प्रिंसिपल. नाउ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल इज चाइल्ड सेंटर्डनेस. इसमें जो फोकस होगा करिकुलम का शुड बी द लर्नर्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड. करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड्स अगेंस्ट अ चाइल्ड. विभिन्न अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कोई चाइल्ड कैसा परफॉर्म करेगा वो इस पर डिपेंड करता है करिकुलम पे. तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी. हारमोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. करिकुलम एक्सीड्स द रेट ऑफ हारमोनी. हाउ, देयर शुड बी अ प्रॉपर हारमोनी बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन. ओके, एंड टू लीड्स द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस. अलॉन्ग विद द नीड ऑफ द चाइल्ड, अटेंशन मस्ट ऑल्सो बी पेड टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी इन फैक्ट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. ये जो करिकुलम है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी बढ़ाता है. एज वी आर, इफ ऑल ऑफ यू नो अबाउट, अवेयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर, सॉवरेन, फ्री, फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, इसमें ये सब बातें कही गई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ इंडिया में। तो सबसे बड़ा बात जो सेकुलर है, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये करिकुलम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाता है। कैसे? द करिकुलम शुड बी सो फॉर्म दैट इट डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन शेपिंग द करिकुलम फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ वहाँ इस करिकुलम का बहुत बहुत वैल्यू है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। करिकुलम शुड प्रोवाइड नॉलेज इन एन इंटीग्रेटेड वे, एक्टिविटीज ऑफ टीचर एज वेल एज दोज ऑफ स्टूडेंट्स विच बी शुड बी इंटीग्रेटेड, यूनिट्स ऑफ टीचिंग शुड बी कोरिलेटेड विद द लाइफ एंड एनवायरमेंट ऑफ पीपल्स रैदर देन विद नैरो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी, द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सीबल, द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सीबल एंड एडजस्टेबल टू नीड्स ऑफ द पीपल्स एट एवरी स्टेज। जो जो चिल्ड्रन हमारे जो पीपल है हर स्टेज पर उसकी जो जो मेंटल एबिलिटी है दे आर चेंजिंग, वो लगातार बढ़ता रहता है घटता रहता है। सो द करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सीबल सो दैट ईच इंडिविजुअल कैन हैव द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम। दैट इज वाई दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी इज कम हियर कम्स हियर। फ्लेक्सीबल फ्लेक्सीबल करिकुलम कैन बी फिटेड टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। नाउ मूविंग टू अबाउट टाइप्स ऑफ करिकुलम। कितने टाइप्स हैं? बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सेंटर्ड करिकुलम, यू कैन से सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड, लाइफ स्किल बेस्ड, एक्सपीरियंसल बेस्ड एंड बेसिक एजुकेशन करिकुलम। ओके एंड लास्ट इज लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। वन बाय वन वी हैव टू लुक व्हाट इज ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट कंसिडर्ड करिकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हियर डोमिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इस सिस्टम में ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो एक्टिव करिकुलम है इसमें एग्जामिनेशन पूरा डोमिनेट रहता है। बच्चों पे हमेशा एग्जाम का फेसिंग करना, एग्जाम का प्रॉपर प्रेशर रहता है। इन ट्रेडिशनल सिस्टम नॉलेज डिवाइडेड इनटू सम डिफिकल्ट सम मेजर सब्जेक्ट्स टू एग्जैक्ट द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ इस सब्जेक्ट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड। इस सब्जेक्ट इज अ गिवन अ प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड अलॉटेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। सभी सब्जेक्ट को एक फिक्स्ड टाइम दिया गया है। ठीक है, इस स्कीम में एग्जामिनेशन का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, अनसाइकोलॉजिकल और अनप्रोग्रेसिव भी होता है। नेगलेक्ट कल्चरल हेरिटेज, इस सिस्टम में जो हमारा कल्चरल हेरिटेज उसको मान के नहीं चला जाता, नेगलेक्ट करते हैं उसको। द एग्जिस्टिंग करिकुलम नेगलेक्ट्स कल्चरल हेरिटेज। It is said commented that Indian folklore, myth, religion, music, morale and spiritual values have no place in our schools. जो सिस्टम हमारा जो बना हुआ है इस टीचर ओरिएंटेड या ट्रेडिशनल ओरिएंटेड करिकुलम में, इसमें कल्चर्स का उतना कल्चर और ट्रेडिशन कस्टम्स का उतना ध्यान नहीं दिया गया इसमें। There is no place for concerned systems, heritages. हमारे एंसर इंडिया में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, ये सब इस पर उतना फॉलोअप नहीं होता है इसमें। इसकी एक बड़ी डिमेरिट है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। सेकेंड इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। दिस इज वेरी मच फेमस बिकॉज ऑफ इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। लर्निंग इज बाय लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें लर्निंग का सिस्टम है बाय डूइंग, बाय सीइंग, बाय ऑब्जर्विंग एंड बाय
doing some activities, and this is the most lucid manner actually to learn an education. Okay, तो ये जो बहुत आसान और बहुत systematic manner है, इसमें इसमें कुछ कुछ इसमें philosopher आए थे, उनका एक का कहना उसमें views of Rousseau. Rousseau was the philosopher of instead of making the child stick to his books. बच्चों को एक किताबों से जोड़े से अच्छा है, जोड़ने से अच्छा है तो क्या करो, हिम बिजी इन द वर्कशिप वर्कशॉप. रूसो ने कहा था, महान दार्शनिक थे, फिलोसफी थे, उन्होंने कहा था बच्चों को किताबों के स्टिक करने के बजाय उसको आप उसको कुछ काम में वर्कशॉप में व्यस्त करो, बिजी करो, आर्ट में उसको उसको आर्ट की तरफ उसका इंक्लेशन लगाओ. वेयर इज हैंड्स विल वर्क टू प्रॉफिट ऑफ हिज माइंड, जहां पे जो हैंड, क्योंकि वर्कशॉप में काम तो करना पड़ेगा हैंड से, उस वो हैंड के कारण क्या, अगर उसका दिमाग, उसका मेंटल मेंटल डेवलपमेंट होगा. एम्फेसिस ऑन द एक्टिविटी प्रिंसिपल इन दिस अकॉर्डिंग टू रूसो. मीनिंग ऑफ एक्टिविटी करिकुलम वर द स्कीम ऑफ एजुकेशन वी हैव अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट an activity curriculum which implies that our schools must be the place of work, experimentation and discovery and not of passive absorption imparted as second hand. Okay. Third is experienced centered curriculum. What does it mean? Experienced centered curriculum. Experienced curriculum is that which gives rich and varied experience of knowledge, skills, attitudes and appreciation. It implies a series of purposeful experience which grow from pupils' need and interest. Iski importance of experience curriculum. Helpful in learning. An experience which is based on needs and interest of the learner facilitate the process of learning. Helpful in social development. Experience never takes place in isolated but in the social settings. कभी भी experience जो है अकेले में नहीं होता है. अगर अकेले ही बैठे हैं तो experience कहाँ से आएगा? तो जब भी experience आती है वो social gathering में, social system में ही आता है ना. तो isolate होकर के हम लोग experience नहीं gain कर सकते. तो ये जो curriculum based है किस पे? Experience centered curriculum. उसमें क्या है, हमें सोशल समाज के अंदर रहना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर रहना पड़ेगा. ओके, नॉट आइसोलेटेड. दीज एक्सपीरियंसेस सोशलाइज द चाइल्ड एंड हेंस प्रमोट हिज सोशल डेवलपमेंट. अब बहुत डिफरेंस है सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड. क्या क्या डिफरेंस हम जानते हैं उसको. सब्जेक्ट करिकुलम में सेंटर होता है सब्जेक्ट, सेंटर है सब्जेक्ट. इसमें ऐसा कोई नहीं, इसमें लर्नर्स सेंटर्ड होते हैं. मेन ध्यान किस पर दिया जाता है? लर्नर पे. किस पे? एक्सपीरियंस करिकुलम में. इम्फेसिस अपॉन टीचिंग स्ट्रेटजीज. इम्फेसिस इसमें एक्सपीरियंस में क्या होता है? इम्फेसिस अपॉन प्रमोटिंग द ऑलराउंड ग्रोथ. जो एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसल करिकुलम है, इस पे लर्नर्स का ऑल अराउंड पूरे तरह से जो उसको होना चाहिए डेवलपमेंट, उस पे ध्यान दिया जाता है. इसमें क्या है, खास लोगों को, खास बच्चों को, खास इंडिविजुअल्स को ही ध्यान दिया जाता है. इसका पूरे चीज किसी खास किसी एक बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट इसमें नहीं रखा जाता, सेंटर्ड ओरिएंटेड. थर्ड है सब्जेक्ट करिकुलम में एक प्रॉब्लम और क्या है, इसमें टीचिंग फैक्ट्स होते हैं, इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशंस. But, whereas in experience curriculum, emphasis upon meanings, मतलब क्या उसका, nature का मतलब क्या है, है ना, what we are reading उसका उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसको आप examples के through development उसका करा सकते हैं बच्चों को. Education considered as schooling. इसमें सब्जेक्ट करिकुलम में क्या होता है, एजुकेशन जो भी वो कहाँ मिलेगा, स्कूल मिलेगा. ऐसा कोई खास प्लेस इसमें नहीं रखा गया. एक्सपीरियंशियल करिकुलम में स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं इसमें कि उसमें ही सीखेंगे बच्चे, कहीं भी हो सकता है.
Now, I am discussing about principle of for development of performance profiles institutions. कैसा कैसा इंस्टीट्यूट हो सकता है? तो एट द मिडिल स्कूल स्टेज, हम जितने सारे बैठे हैं यहाँ पे, सबको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश बंगाली रीजनल लैंग्वेजेस, वट एवर वी आर परफॉर्मिंग, वट वी आर इम्पोजिंग द लैंग्वेजेस आर जनरल साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन. लैंग्वेजेस आर द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस. लैंग्वेज हमेशा जरूरी पड़ा क्योंकि ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने करके काम नहीं चलेगा. मुंह बंद कर लिया और इशारा दे रहे हैं ऐसे करके, तो वो अलग सिस्टम हो जाए. इसीलिए लैंग्वेज का आना किसके लिए? कम्युनिकेशन टूल है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करके बताना इन अ नीट एंड क्लीन वे. ओके, दैट इज वाई लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल स्टडीज इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ सोशल इन्वायरमेंट. साइंस इम्पार्ट द जनरल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स. मैथमेटिक्स इज टाउट फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. 1 + 1 = 2 कहीं भी काम नहीं आता एक्सेप्ट सैलरी लेने टाइम पर, वहीं पे काम आता है. भाई 7 दिन काम किया तो ये कट के डिडक्शन हो गया. तो ये मैथमेटिक्स जो है इज यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस एरिया. तो जब हमारी जब बातें होती हैं, क्योंकि इसमें चार ही मेन चार ही कैलकुलेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो इसका जो यूज है वो कहाँ पे है? बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए. एक्सेप्टिंग ऑल दिस, सबको मिलाकर चलें, ऑल दीज आर एकेडमिक सब्जेक्ट्स विच प्रमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सब्जेक्ट विच वी आर सपोज टू बी टॉट इन मिडिल स्कूल स्टेज. नाउ एट हाई एंड हायर स्कूल स्टेटस वी हैव टू टाइप ऑफ करिकुलम. फर्स्ट इज कोर करिकुलम एंड सेकेंड इज हायर करिकुलम. कोर में सेम एज मिडिल स्कूल दैट वी आर हैविंग लैंग्वेजेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड क्राफ्ट. इन हायर करिकुलम वी आर हैविंग सो मैनी डिफरेंट सेवरल ग्रुप्स. फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी ग्रुप. इसमें क्या होते हैं? जितना आप दुनिया का बोरिंग चीज है उसमें आप डाल सकते हैं. इस ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू मी बोरिंग होता नहीं. फिलोसफी अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी ट्रेनिंग चल रही है, टोटल टोटली डिपेंड अपॉन फिलोसफी. कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनसे उनका कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए. दीज आर लाइक हाइपोथेटिकली, वो हमें लगता है क्या काल्पनिक चीज़ें बात है कि कैसे होगा. लिखना बहुत बड़ी बात है इसके लिए, बट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एक्सपीरियंस. ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. तो ये जो है इसमें ग्रुप वन में ह्यूमैनिटीज ग्रुप में क्या होता है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, म्यूजिक एंड वेरी बोरिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. बच्चों के लिए, हमारे लिए तो ठीक था मैथमेटिक्स, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बट नाउ डेज मैथमेटिक्स लॉस्ट हिज वैल्यू. धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपना वैल्यू खो रहा है, ठीक है. बट मुझे उम्मीद है कि मैथमेटिक्स उसी तरह इंटरेस्ट हो जाएगा जैसे पहले हम लोग देखते थे उसको. तो ग्रुप वन इज ह्यूमैनिटी ग्रुप, कंसिस्टिंग हिस्ट्री, सिविक, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक. दिस इज द आई मस्ट से ये सारा जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है ये लर्निंग कैपेबिलिटी वाली है, एक्सपीरियंस सीख सकते हैं. इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है 1 + 1 = 2, वी बराबर s + s = ut + ½at² इस ह्यूमैनिटी ग्रुप में ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ये चीज़ें हमें समझनी भी याद भी करनी. बट जो ह्यूमैनिटी ग्रुप का है, हिस्ट्री का है, डेट्स हो गए है ना, क्या क्या अशोक ने क्या किया, क्या बनवाया, क्या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया, तो चीज़ें याद रखने वाली, समझने वाली. सेकेंड इज साइंस ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड होम साइंस, एलिमेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड हाइजीन्स.
group third is I am considering higher level education. Third is technical group, applied mathematics, applied science, mechanical engineering, electrical engineering. I am not here including computer science. Okay, group four, commercial group, commercial practice, bookkeeping, commercial geography, all elements of economics and civics, shorthand and typewriting. Group five is agricultural group, general agriculture, animal husbandry, horticulture, apiculture, agriculture, chemistry, gardening and botany. Fine art group, very interesting group, fine art group, history of art, drawing, craft, painting, modeling, music and dancing. Components, now components of curriculum. What are the major components? First is teaching learning objectives, teaching content or subject matter, teaching method and evaluation of learning outcomes. The curriculum developed levels of student needs of the society and nature of content and means of providing learning experiences are considered the important factors. Ye char component hai. First is teaching learning, teaching content or subject matter, teaching method and evaluation of learning outcomes. Isme agar hum baat kare components mein, तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सेकंड इज कंटेंट, थर्ड इज इवैल्यूएशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी मेथड. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द सब्जेक्ट कंटेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर, लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. Second is content or subject matter. The content should be very properly striped. The content of any subject is usually broad. It is analyzed into sub-contents and further into its elements. These elements are arranged in a logical sequence. Third is teaching strategies. The specific objectives of teaching are attained with the help of appropriate teaching strategies. Content हमें मिल गया, हमें objectives मिल गया, and last is very how the evaluation should be done. Evaluation, the level of students' attainment is evaluated by employing criteria reference test. First is reference test. It shows the effectiveness of strategy of teaching and its components. The interpretation of evaluation provides the feedback to the curriculum and its components. These components are improved and modified so as to attain the objectives of teaching and learning. Next is source of curriculum design. Designs, curriculum, itni baatein ho gayi, ye component ho gaya, objectives, needs, aim, types, value. Isko construct kaise karein? करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो तीन चार तरीके हैं. साइंस कहाँ से सोर्स मिलेंगे इसका? साइंस एज ए सोर्स फर्स्ट है, साइंस एज ए सोर्स. सेकंड इज सोशल एज ए सोर्स, सोसाइटी एज ए सोर्स, सॉरी सेकंड इज सोसाइटी एज ए सोर्स. थर्ड इज इटर्नल एंड डिवाइन सोर्सेज एंड फोर्थ इज नॉलेज एज ए सोर्स. करिकुलम डेवलप करने के लिए हमें इन चार सोर्स का होना जरूरी है, साइंस का, सोसाइटी का, इटर्नल डिवाइन सोर्स का और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ सोर्स. ओके, वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज साइंस एज ए सोर्स. करिकुलम वर्कर्स जो भी करिकुलम बनाते हैं वो कुछ साइंस पे अपने फैक्ट रखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, कुछ ऑब्जर्विंग बेस्ड होते हैं. तो करिकुलम वर्कर्स हु रिलाई ऑन साइंस एज अ सोर्स विजुअली मेंटेन द साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड्स मीनिंग
for the curriculum design. The design would contain those elements that can be observed and qualified in a design. However, it may be misleading to cite science as a source of curriculum design. Okay, according to Elliot Ilsner, besides scientific ways of knowing, aesthetic modes of knowing, interpersonal modes, spectacle modes, and part spiritual ideas. Much of what is stated about thinking process comes from a knowledge of cognitive psychology. Okay, a curriculum within the source would teach students a set of rational procedures by which they could process the item of the curriculum, even thinking strategies. Society as a source. Curriculum design favoring society as a source of the curriculum. करिकुलम का मेन सोर्स बच्चों को पढ़ाना, अपनों को जानना, टीचर्स को बताना, उसके लिए हमें सोसाइटी में आना पड़ेगा. तो विजुअली करिकुलम डिजाइंस इन द फेवर ऑफ सोसाइटी. मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई फिजिकल चैलेंज है, कोई अप्रेसिया से है, कोई डिसग्राफिया से है, तो उसको भी इसी सोसाइटी में आना है, इसी सोसाइटी में सीखना भी, तो करिकुलम भी इसी सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए. तो हम जो सोर्स लेंगे बनाने का, मैं डेवलपमेंट में ये रखना, वो रखना है, तो मुझे कहाँ से चाहिए? साइंस होना ही चाहिए, साइंस एज सोर्स. और उसके लिए सोसाइटी का मेन इम्पोर्टेंट रोल है. अगर कोई बेगर भी है, कोई भीख मांगने वाला भी है, तो उसको भी इसी डोमेन में, इसी पर्टिकुलर एरिया में, इसी इंडिया में, इसी हमारे स्कूल के आसपास, इसको इसमें रहना है, तो उसको भी हमें उस तरह ही डेवलप करना पड़ेगा. इल्स वो डेवलप होना चाहे तो, अगर कोई नहीं होना चाहता है तो उसका तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर कोई अपने को डेवलप करना चाहता है तो हमें उस सोसाइटी के अंदर उसको बताना पड़ेगा. तो जो करिकुलम का जो आइडिया है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही लिया गया है. साइंस एज अ सोर्स ना सोसाइटी एज अ सोर्स. तो उस तरह डिजाइन किया गया है जो हमें सोसाइटी को नीड को फुलफिल करे, उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्रूवमेंट करे, डेवलपमेंट करे. आइडिया जो भी आएगा है ना, वो भी सोसाइटी में फिजिबल होना चाहिए. करिकुलम डिजाइनर्स फेवरिंग सोसाइटी एज अ सोर्स फॉर द करिकुलम बिलीव दैट स्कूल इज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी. सो इट वुड सीम दैट इफ एजुकेटर्स आर टू क्रिएट करिकुलम विद इफेक्टिव डिजाइंस, दे विल हैव रियलाइज द नीड फॉर कोलेबोरेशन among people and groups. Third is eternal and divine sources. The main concentration, the main focus of this line, of this sentence, is nature, is this world, this spiritual power. ये जो हम बात करें eternal and divine sources, किसमें क्या है? Nature का power, ठीक है. Some people considered that designers should simply draw on the past for guidance as to what is appropriate content. These persons believe that the curriculum design should be intended to perpetuate society. This traditional view, which reflects a prehensile form of philosophy, proposes selecting ideas. Subject designs trace the content element, and that certain content is more important than other content. Divine will be as an under guiding factor of curriculum. Design is related to eternal truth. Okay. And not that the elements of the curriculum are reversed to human through the Bible or other religion documents. While the source of curriculum design played a significant role in our nation's early colonial schools for the last century, it really has had little influence in public school, primarily due to the mandated separation of church and state. An interesting development in recent times is the issue of spirituality and its
relationship for knowing. Dwayne Huber has argued that talk of the spirit and spiritual in education need not refer to divinity. The talk is about lived reality, about experience and possibility experiencing. Spiritual of this world, not of other world, so this life. Knowledge as a source. As already indicated, some might interpret science as a source of curriculum design, society as a source of design, internal and divinity power as a source, but the most important factor is knowledge as a source of this designing curriculum. If we consider knowledge itself one to the prime sources of curriculum, we certainly will not leave out particular content. Okay. Herbert Spencer placed knowledge within the framework of curriculum. What knowledge is of most worth? It is the basic question that Billack raised 80 years later when he examined knowledge in relationship to the various disciplines and structure of a curriculum. Those who place knowledge at the center or as a key source realize that it is organized in specialized ways. Disciplined knowledge has a particular structure and a particular methods by which its scholars extend its boundaries. Now the principle for curriculum design. Curriculum design होने के क्या क्या principles हैं उस पर हम देखेंगे. First is curriculum related principles. It should encourage the development of higher intellectual skills with an active and developed approach of learning. The curriculum should ensure that students become active partner in the learning process with the staff appreciating their role in assisting students. It should ensure through a moral systematic approach that student acquire competence as basic skills including communication skills, mathematical skills at a level appropriate to the level of course. This curriculum should be more flexible for students to undertake special study projects. Second is teacher related principle. Teaching method and learning activities must much match the principle of curriculum. Teachers should devote the bulk of their time in facilitating the students' learner activities and self-directed learning. Third is assessment related principle. It is recognized that most of the students seek the objectives for the curriculum in the content of the encourage particular ways of studying. More emphasis should be placed on providing feedback to students on their performance in the assessment procedure set on the given criteria. Assessment procedure must achieve adequate level of validity and reliability. Steps of curriculum development. First is surveying the scene. It is logical to identify the context within which we are going to create a program. This surveying action is what allows district personnel to ascertain what makes their school system in the same as or different from other system. Assessment needs. Second is assessing needs. Needs most often focus on individual visually on students and occasionally on teachers. Rarely are the needs of the organization of the school considered in a needs assessment. Third is identifying and defining problems. Once needs are identified, we require some demarcation of the nature of the problem. Not all needs are identified at the outset of the planning process. Many emerges, the stages are activated. Recalling accept aims and goals, marking proposals and evaluating then
preparing designs, organizing the workforce, supervising the planning process, utilizing the product of planning, applying evaluation means. These are the steps of curriculum development. Okay, now we are moving on different models of curriculum. Different models in curriculum. First is Tyler model. Tyler model have four things very important. First is purposes of the school. Second, educational experiences related to the purpose, organizing of educational experiences, and fourth is evaluation of the purpose. According to Tyler, there is a subject matter which imparted to society, sources and learners. These three pillars means society, sources, learners have some tentative objectives, and these objectives are philosophy and psychology. Tyler's last principle deals with the evaluating the effectiveness of planning and actions. Tyler considered evaluation to be important to find out whether the learning experiences actually produced the intended results. Next is TABA models, TABA TABA. First is diagnosis of needs. हमारी क्या need है उसको ढूंढना पड़ेगा curriculum models के तहत. The teacher starts the process by identifying the needs of the students for whom the curriculum to be prescribed. Formulation of objectives after the teacher has identified needs that require attention, he or she specifies objectives to be accomplished. Selection of content. The objective selected or created is suggested the subject matter or content to the curriculum. Not only should objective and content match, but also the validity and significance of the content needs to be determined. So, fourth is organization of the content. A teacher cannot just select content, but must organize it in the same type of sequence, taking. How can we explain Rabindranath Tagore's views to the educational curriculum in India? Rabindranath Tagore established Shantiniketan in 1901 में शांतिनिकेतन की establishment हुआ था near Bolpur, a place about 100 miles from Calcutta. इसके प्रिंसिपल क्या थे यहाँ पे एजुकेशन के? To give spiritual culture to our boys was my principal object in starting my school at Bolpur. जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, एजुकेशन है, इस हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मेन रखा गया इस शांतिनिकेतन में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. देखो भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर. टू लर्न द history of India, the rich enriched heritage, the enriched culture. Fortunately, in India, we have the model before us in the tradition of our ancient forest schools, where teachers whose aims was to realize their lives in God. जो learning capability थी, learning thing थी, वो forest के according forest में होता था, जहाँ पे लोग teachers क्या समझते थे कि हमारे God जो है उस forest में रहते हैं. Had their home, God had their home. Having in my mind this ideal of school which should be home and temple in one. और ये जो हमारा forest है, ये हमारा home है. ठीक है. Very important characteristic is open air classes. ये अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये 4 round walls, 6 round walls, वहाँ पे पहले class open air होता था, खुले में. किसी particular place को हमने ले लिया, dense forest में, या like कुटिया आश्रमास, है ना,
तो वहां शांति निकेतन में भी क्या था, ओपन एयर स्पेस ही था। द प्रिंसिपल, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन मोटिव क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ऑफ टैगोर डू नॉट फेवर होल्डिंग क्लासेस विद इन फोर ऑफ वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ यंग चिल्ड्रेन, कम्युनियन विथ नेचर एंड गॉड सराउंडिंग इट्स ATC कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इफ द क्लासेस आर हेल्ड इन ओपन एयर। सेकेंड लास्ट इज को एजुकेशन एंड रेसिडेंशियल नेचर। स्टूडेंट्स वर्क विद देयर हैंड्स जनरली, वॉशिंग ऑफ क्लोथ एंड यूटेंसिल्स, जो जो मोरल जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ सिखाया जाता था, है ना, वॉशिंग द क्लोथ्स जनरली, क्लीनिंग द रूम्स, यूटेंसिल्स। लाइफ इज सिंपल एंड चीप, विश्व भारती में शांति निकेतन में लाइफ को बहुत आसान और बहुत कम शब्दों में बताया गया। फूड इज कुक्ड टुगेदर एंड सर्व, बच्चे आपस में बनाते थे और सर्व भी बच्चे ही करते थे। देर इज नो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी रेसिज्म, कोई भी कास्टिज्म, कोई भी किसी भी कास्ट क्रीड का है उसका कोई वहाँ पे फर्क नहीं था। स्टूडेंट वर्क टुगेदर, स्टूडेंट्स हैव कम्युनिटी मील्स, स्टूडेंट्स लिव टुगेदर, रेसिडेंशियल होम, रेसिडेंशियल नेचर, को एजुकेशन, मैनेजमेंट बाय स्टूडेंट्स, टोटल कैपेबिलिटी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डिपेंडेंट था, बच्चों पे ही था, स्टूडेंट्स पे ही था। मैनेजमेंट ऑफ द रूटीन फंक्शंस इज डन बाय द स्टूडेंट। टू कोट, हाउएवर ग्रेट अ स्कॉलर वन मे बी, कोई बहुत बड़ा विद्वान भी हो, इफ ही इज नॉट एजुकेटेड हिज बॉडी, अपने आप को नहीं करता एजुकेट, अपने बॉडी को नहीं करता, मैं मुझे ये काम करना है, मुझे अपने काम खुद ही करना है, तो वो उस वो एजुकेशन लेने का राइट नहीं रखता है। अकॉर्डिंग टू शांतिनिकेतन, अकॉर्डिंग टू रविंद्र टैगोर, ही हैज टू लिव अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंस ऑन द अदर्स, उसे किस पर रहना पड़ेगा, दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इन मेनी वेज वर्किंग आवर्स, इस शांतिनिकेतन में वर्किंग आवर्स क्या थे, रेगुलर क्लासेस आर हेल्ड अप टू 10 AM, 10 AM से क्लासेस चालू हो जाते थे। लंच ब्रेक, प्रार्थना, मॉर्निंग असेंबली, रेगुलर क्लासेस आफ्टर लंच। करिकुलम क्या था, फाइन आर्ट्स, द मेन इम्फेसिस ऑन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, डांस, म्यूजिक, प्रोजेक्ट्स, टू राइट समथिंग, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए। मीडियम इंस्ट्रक्शन, मीडियम इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, बंगाली उस टाइम का जो भी रहा होगा, वो मदर टंग उस शांति निकेतन में विश्व भारती में बताया जाता था। मदर टंग वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हॉबीज एंड ऑक्यूपेशंस, स्टूडेंट्स हैव फ्री टू पास देयर लीजर टाइम इन हॉबीज, हॉबीज उनका जो भी प्रोग्राम खेल रहा हो, जो भी टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे होंगी, वो उनसे अपना हॉबीज बनाते थे। वाइड रीडिंग, रीडिंग वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट बुक, बट वाइड रीडिंग वॉज इंक्रेज, रीडिंग जो था केवल टेक्स्ट बुक पर नहीं रखा गया था, स्पिरिचुअल बुक्स, एक्सपेरिमेंटल बुक्स जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, बिजनेस की, फिनेंस की, जो भी हो, सब तरह के बुक्स पढ़ना वहाँ पे फ्री था। होमली एटमोसफियर, सबसे बड़ा बात, शांति निकेतन जब 1901 में चालू हुआ था, वहाँ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि वो वहाँ पे बच्चों का होमली एटमोसफियर बनाया गया था, जैसे घर का होता है उसी तरह वहाँ का भी एटमोसफियर था। होम इज द टर्म दैट वॉज यूज बाई टैगोर फॉर स्कूल, ये बात क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिनको भी सीखना होता, वो चाहते कि मुझे जो सिखाने वाले वो मेरे बिल्कुल क्लोज, मेरे जानने वाले, तो जो जो एटमोसफियर था वहाँ पे बिल्कुल होमली था। इज द टर्म दैट वॉज यूज बाई टैगोर फॉर स्कूल जनरली, उन्होंने कहा था, आई नेवर सेड टू देम डोंट डू दिस और डोंट डू दैट, ये नहीं करो वो नहीं करो, उनका ये नहीं कहना था। आई नेवर प्रिवेंटेड देम फ्रॉम क्लाइंबिंग ट्रीज, हम लोग रुकते हैं बच्चों को पेड़ पर नहीं चढ़ो, चोट लग जाएगा, ऐसे मत कूदो, बट उन्होंने आज तक किसी बच्चे को क्लाइंबिंग, हाँ कब, वो ड्यूरिंग क्लास आवर भी नहीं चलेगा ऐसा, लेकिन उन्होंने कभी रुका नहीं बच्चों क्लाइंबिंग पेड़ पर चढ़ने के लिए, और गोइंग वेदर दे लाइक, जहाँ उनको जाना पसंद होता था वहाँ पे भी। आई वॉन्टेड टू मेक चिल्ड्रेन हैप्पी इन एन एटमोसफियर ऑफ फ्रीडम, वो बच्चों को खुश और उनको लिबर्टी या फ्रीडम देना चाहते थे। नो फिक्स रूल्स, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं था,
no strict classroom discipline. Married teacher used to invite students at home and treated them their own children. मैरिड टीचर्स वहाँ पर होते थे और अपने उन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अपने घर पे आकर के उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर एजुकेशन दिया करते थे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वॉज स्मॉल. टीचर दस हैड द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन इन देयर क्लास. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टाइम टू टाइम वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी जिसमें सॉन्ग्स थे, फोक डांस थे, है ना, आर्ट एग्जीबिशंस, साइंस एग्जीबिशंस, म्यूजिकल कंसर्ट्स, ऑर्गेनाइज ऑफ ड्रामास, सत्संग. कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ विश्व भारती, पहला था इसमें शिशु भवन नर्सरी स्कूल, इसको शिशु भवन कहा गया. पाठ भवन, सोशल स्कूल सेक्शन, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. थर्ड इज शिक्षा भवन, हायर एजुकेशन. फोर्थ इज विद्यावन, कॉलेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. मीन्स जो बच्चे अगर चाहते हैं ग्रेजुएशन का और पीजी का, उसके लिए ये था विद्यावन. विनय भवन, कॉलेज ऑफ टीचिंग. कला भवन, कॉलेज ऑफ फाइन एंड आर्ट्स. संगीत भवन, कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस. श्रीनिकेतन, कॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन. सिकरा सत्र रूरल हाई स्कूल. शिल्पा सदन, कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. चीना भवन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल चाइनीज, तिब्बतन, ETC. ये सारा सिस्टम उस विश्व भारती में मनाया गया था. बच्चों के लिए अलग स्कूल जिसको बोला गया शिशु भवन, फिर मीडियम सेकेंडरी स्कूल जिसको बोला गया पाठ भवन, उस तरह हायर स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए आया तो उनको कहा गया शिक्षा भवन, है ना. तो बहुत सारे सबका नाम रख करके अलग अलग उसको बताया गया. सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन, टैगोर स्ट्रेस्ड अपॉन द चेंज इन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन. ही वांटेड टू मॉडर्नाइज इंडिया बाय मेकिंग यूज ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. उनका ये नहीं था कि जो हमारे देश का है वेस्ट से भी जो अच्छी चीज़ें वो लेना चाहिए, वेस्ट मतलब फॉरेन से भी और हमारा अपना देश का भी है उसका भी. तो उन्होंने कोई ऐसा खास सेपरेशन नहीं किया ईस्ट और वेस्ट का, ठीक है. द मैनर्स, कस्टमर्स एंड आर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कंबाइंड विद वेस्टर्न आर्ट्स एंड साइंसेस. एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज लाइफ, टैगोर टुक नेसेसरी स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल इन विलेजेस. ही एम्फसाइज्ड ऑन विलेज इंडस्ट्री, वीविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, लेदर वर्क, पेपर मेकिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड स्टेप फॉर हैप्पी एंड ह्यूमन लाइफ इन विलेज. ये अगर हम बात करें इस विश्व भारती या शांति निकेतन की, इसमें किसी भी सोसाइटी, किसी भी पिलर्स को, किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं गया, है ना. हर बच्चों से लेकर किसी इंडिविजुअल का जिसका भी डेवलपमेंट हो सकता है इस करिकुलम में लाया गया. शांति निकेतन में बहुत सारे डेवलपमेंट थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशल, पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, एक्सपीरियंशियल. ओके, तो हम ये कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर प्लेड अ वेरी पाइवोटल रोल, वेरी वाइटल रोल इन द एजुकेशन करिकुलम इन इंडिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट. ओके, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर. इफ यू हैव क्वेश्चन, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज आस्क. ओके, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंश्योर दिस पर्टिकुलर सेशन मस्ट बी वेरी इंटरेस्टेड टू हैव दिस करिकुलम डेवलपमेंट. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एंटायर स्टाफ ऑफ दिस स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट, कैमरा पर्सन. ओके, इफ वी आर हैविंग इंक्लूसिव एजुकेशन बट दिस करिकुलम डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लीड द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. ओके, अगर बात करना चाहेंगे, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क. अदरवाइज आई एम वेस्टिंग माई वर्ड्स.
Okay, thank you.